साई राम, एक और कहानी मेरी जुबानी। सहनशीलता। सहनशीलता एक प्रकार का तप है, जिसमें ये सहनशीलता आ जाती है ना, उसके जीवन में एक अनोखी मिठास, एक अद्भुत संतोष और प्रकाश आ जाता है। सो ये कहानी स्वामी दयानंद के कुटिया की बाहर की है। एक बार स्वामी दयानंद के कुटिया के बाहर एक साधु रोज़ उनको पौने पौने एक एक घंटा गालियाँ दिया करता था। दयानंद मुस्कुराते रहते और कोई उत्तर नहीं देते थे। कई बार उनके भक्तों ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो इसे सीधा कर दें, तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये स्वयं ही सीधा हो जाएगा। एक दिन स्वामी जी के पास कोई सज्जन फलों से भरा हुआ टोकरा लेकर आया, तो दयानंद जी ने क्या किया, उसमें से अच्छे अच्छे फल निकाले और उन्हें एक कपड़े में बांधकर उस साधु के पास भिजवा दिए। जो व्यक्ति फल लेके जा रहा था वह बोला, वो तो रोज़ आपको इतनी गालियाँ देता है और आप उसे फल देने वाले हैं। महर्षि बोले, कोई बात नहीं, तुम ये फल लेकर जाओ। जब वह व्यक्ति फल लेकर उस साधु के पास पहुंचा, तो साधु ने जैसे ही उसे देखा और कहा कि अरे, उसने ये मेरे लिए नहीं भिजवाए होंगे, मैं तो रोज़ उसे गालियाँ देता हूँ। वह व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, महर्षि ने ये आपके लिए ही भिजवाए हैं और कहा है कि जो रोज़ आप अमृत वर्षा करते हो ना उन पर, उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति लगती होगी, तो ये फल इसीलिए भेजे हैं। इन्हें खाइए, इनका रस पीजिए और अपनी शक्ति को बनाए रखिए, ताकि जो आप अमृत वर्षा उन पे रोज़ करते हैं उसमें कोई कमी ना आए। इतना सुनते ही साधु दौड़ता हुआ महर्षि दयानंद के पास पहुँचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखा, तो ये है सहनशीलता का जादू। ये जादू है ना, जो बुरे से बुरे व्यक्ति को भी बदल देता है। परंतु सहनशीलता धारण करना ना बड़ा कठिन है। कोई कोई कर पाता है, लेकिन जो कर पाता है वो अपने जीवन को अमृत तुल्य बना ही लेता है। सहनशीलता को धारण करने का प्रयास करिए, सहनशील बनिए। राम राम।